मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सेक्टर 18 के चर्च के लोगों में भारी रोष देखा गया। उन्होंने चर्च परिसर में ही हाथों में पोस्टर लेकर लोगों को शांतिपूर्वक संदेश दिया और मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध जताया गया। सैकड़ों की संख्या में पास्टर राजीव मसीहे की अगुवाई में जवान लड़के लड़कियों और महिलाओं ने इकट्ठा होकर मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना के विरोध में हिंदुस्तान की बेटियों के साथ उनकी इज्जत का खिलवाड़ हुआ अपना विरोध जताया। साथ ही इंसाफ की मांग करते हुए चेयरमैन पादरी राजीव मसीवा, सेक्रेटरी स्टीफन मर्सिही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हुए कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा पर रोक लगाई जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पादरी मुकेश साहे ने प्रेम का संदेश देते हुए कहा, देश में अमन और शांति बनी रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री नरेंद्र बीरेन सिंह को भी इस्तीफा देने को कहा। सभी देशवासियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से निवेदन किया कि सब मिलकर रहें और मणिपुर के इंसाफ के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि यहाँ धर्म की बात नहीं है बल्कि यहाँ एक नारी का अपमान हुआ है, उसको लेकर हमें इसका विरोध करना चाहिए। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सब ने अपने हाथों में पोस्टर लेकर मणिपुर के दुख और हालातों का बखान किया और हिंदुस्तान की बेटियों के लिए इंसाफ की मांग की। इस प्रदर्शन में सेक्रेटरी स्टीफन मसीहा और भी स्थानीय लोगों ने हिस्सा लेकर अपने विरोध को जाहिर किया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।